सुशील केडिया, कैसे हैं आप? पहले तो क्योंकि बाजार एग्जॉशन के साइन अब तक देना शुरू नहीं हुआ है, आप क्या अब भी कॉशियस हैं? आपके अनुसार एग्जॉशन के साइन देना शुरू नहीं हुआ है, पर मेरे अनुसार बैंक्स में, लार्ज बैंक्स में, ऑटोज में, अब रियल्टी स्टॉक्स और आपके एफएमसीजीज में भी और होटल स्टॉक्स में भी, ये सारे एग्जॉशन के साइंस है। तो आप लीजिए, मैं बेचूंगा, यही शेयर बाजार है। आपका अनुमान, मेरा अनुमान, हम दोनों उसको बाजार पर अजमाएंगे। तो मैं कॉशियस अगर हूं तो इंडिसेस पर हूं, पर हम बेतहाशा लगातार 3 महीनों से आपके साथ हर वीक कोई ना कोई बी ग्रुप के या फ्यूचर्स में भी साइड के स्टॉक्स, जो छोटे स्टॉक्स है, उनमें हम अभी भी बेतहाशा तेजी में है और इंडेक्स से हम बिल्कुल बाहर है। तो इंडेक्स शेयर बाजार है, एक वो बात मैं मानता नहीं हूं, और एग्जॉशन के साइंस नहीं है आपके अनुसार, मेरे अनुसार है। देखेंगे अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बाजार क्या करता है। लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप और कई सारे स्पेसेस में जो तेजी बनी हुई है, एनबीएफसी जैसे स्पेसेस तेजी बनी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस पैक में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, तेजी और कहां कहां दिख रही है आपको? ये लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स में भी हमने लगातार तेजी करी थी, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रू हो, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस हो, और सब में सेल सिग्नल आ गया है, अच्छी बढ़त हो चुकी, अब वहां से भी निकल जाने का समय आ गया। तो अब अगर हम कहीं नई तेजी खोज रहे हैं अभी भी, तो वो लार्जर टाइम होराइजन पे है। मान लीजिए आप पीवीआर आइनॉक्स की डेली चार्ट को देखिए, अब मेरे को लग रहा है कि यहां से आज जो पीवीआर आइनॉक्स में नया बाई सिग्नल आना शुरू हुआ इस पुल बैक के बाद, तो अगला पड़ाव मुझे इसका तकरीबन 1600 और फिर 1800 के आसपास लगता है, और फिर वहां से जो भी पुल बैक्स हो, शने शने इसको 6 महीने में मैं 2600-2700 तक देखता हूँ। या उसी तरह अगर हमारा एनडीटीवी में बड़ा बाई कॉल है, तो अगली चाल अब एनडीटीवी की, जैसे 230 के ऊपर जाएगा तो नया बाई कॉल हमारा ट्रिगर हो जाएगा 330 की चाल के लिए। या छोटे बैंक्स में अगर मान लीजिए हम सेंट्रल बैंक में भी तेजी में है, या डिश टीवी जैसा स्टॉक हमें लगता है यहां से भी इमीडिएटली डबल हो जाएगा और ओवर ए टाइम 4 गुना हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होराइजन में लार्ज कैप बैंक्स, ऑटोज, एफएमसीजी सब पे एक्सट्रीम कॉशन लार्ज कैप्स में, पर छोटे स्टॉक्स में भी ये मैप माई इंडिया है या रिटेल ब्रांड्स एशिया जैसा स्टॉक है, लास्ट ईयर के 2 IPO जो बिल्कुल लुढ़क गए थे, यहां से डबल होते लगते हैं। अगर हमको सारे गामा में खूंखार तेजी लगती है और ये देखिए लास्ट 6 दिन में सारे गामा 25% बढ़ गया, अब एक टेक प्रॉफिट का कॉल है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमने इंटरनली टेक प्रॉफिट कॉल दिया है, वापस इसको पुल बैक मिलेंगे 700-1500, साल भर में ये 3 गुना 4 गुना होने वाले स्टॉक्स हैं। तो दो तरह का बाजार है, जो भी बिल्कुल हाई विजिबिलिटी हाई कैप्स हैं, जिनको हम ग्लैमर स्टॉक्स कह सकते हैं, उनकी चाल पूरी हो चुकी है, कछुए चल चुके हैं और अब खरगोश उछल रहे हैं। तो हमको वापस अब निफ्टी में यहां से तेजी करके फंसना नहीं है, या बैंक निफ्टी में हमें फंसना नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी अब ट्रेंड को छोड़ चुकी, पता नहीं आपको क्यों तेजी लग रही है। देखिए बहुत सारे समय ऐसा होता है जब बाजार के टॉप या बॉटम आते हैं, मनों में तेजी या मंदी होती है, स्क्रीन पर नहीं होती। लार्ज के बैंक्स तो घट रहे हैं पिछले 1 महीने से, बस आपको तेजी लग रही है क्यों, क्योंकि वो साइड मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रांग है। अब अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारा कॉल था कि ये 1200 का भाव हो जाएगा, सामने आप स्क्रीन देखो 410 से हमने इसको 1200 की तेजी के लिए निकाला, तो एक चरण इसका पूरा होने लग गया। हो सकता है 670-680 में हम टेक प्रॉफिट करेंगे, फिर वापस 520 में लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो निवेश के जो शेयर्स हैं, जो बिल्कुल साल 2 साल 3 साल से बहुत कुटे हुए थे, उनमें 6 महीने की टाइम फ्रेम पर, 8 महीने की टाइम फ्रेम पर बड़ी बाइंग का पैटर्न स्टार्ट हो चुका है और लार्ज कैप्स बिल्कुल टॉप ही लग रहे हैं।